जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार मैरिज 2022 की चर्चा, अर्थात मैरिड लाइफ संबंधी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे कि वार्षिक राशि भविष्य 2022 है ये, और इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इस 2022 गुड फॉर एरीज मैरिड लाइफ, अथवा आप या भी कह सकते हैं कि इस 2022 गोइंग टू बी ए गुड ईयर फॉर एरीज मैरिज, क्योंकि इसमें मैरिज मैरिड लाइफ सब की बात करने वाले हैं हम। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इस राशिफल को देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त करें। इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप लग्न ढूंढ सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट astrosage.com है, वहाँ जाएँ अपना लग्न ढूंढें। हम उस पैनल पर भी मौजूद हैं, वार्ता के माध्यम से आप वहाँ से सलाह भी लेना चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं। तो आपको अगर ये लग्न पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नाम के अनुसार या फिर जो है जो आपकी राशि है जिससे आप देखते हैं उससे आप अपना राशिफल देखें। और राशिफल की चर्चा से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही मेष राशि मैरिज 2022 यानी कि आपके दाम्पत्य संबंधी परिणामों का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 में मेष राशि वालों का मैरिड लाइफ वाला पक्ष कैसा रहेगा, यानी एरीज मैरिज होरोस्कोप 2022 या एरीज मैरिड लाइफ होरोस्कोप 2022, जिसे हिंदी में बोले तो साल 2022 मेष राशि वाले लोगों के वैवाहिक मामलों के लिए या फिर विवाह संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, यह जानने के लिए हम सप्तम भाव, उसके स्वामी शुक्र, बृहस्पति तथा शनि के गोचरों का विशेष अवलोकन करेंगे। बाकी अन्य गोचरों का तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले बात सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव 13 अप्रैल 2022 तक बना हुआ है, साल की शुरुआत से, जो सामान्य तौर पर अनुकूलता देने का प्रयास करेगा। यानी कि बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल 2022 तक आपकी मैरिज लाइफ या विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता देने का प्रयास करेगा। इसके बाद बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा और इन संबंधों की जिम्मेदारी अन्य ग्रहों को दे जाएगा। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 तक सप्तम भाव पर दसवीं दृष्टि डालता रहेगा, जो कि वैवाहिक मामलों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि यह स्थिति विगत कई महीनों से है या कहें कि वर्षों से है, अतः केवल इसी को आधार मानकर फलादेश ना करके अन्य स्थितियों को भी हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर इसी स्थिति की बात की जाए, पर्टिकुलर इसी स्थिति की, तो यह अच्छी स्थिति तो नहीं है। हालांकि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच शनि ग्रह 11वें भाव में चले जाएंगे आपके, और सप्तम भाव सामान्य तौर पर स्वस्थ बना रहेगा इस अवधि में। लेकिन इसी बीच 12 अप्रैल 2022 के आसपास से, यानी उसी दिन से कह सकते हैं, केतु ग्रह आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। यह सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। केतु की उपस्थिति को देखते हुए आपको आपसी संबंधों में संदेह नहीं करना है तथा एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना है। इसके अलावा एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है। यदि जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, बल्कि उचित चिकित्सक से उचित सलाह जरूर लें। यानी राहु केतु शनि और बृहस्पति के गोचर के संकेत के अनुसार साल 2022 मिले जुले परिणाम, वैवाहिक मामलों में मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। मिले जुले में भी कौन कौन से टाइम ड्यूरेशंस में अधिक सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, आइए जानने की कोशिश करते हुए शुक्र ग्रह के गोचर की ओर चलते। शुक्र ग्रह के गोचर में हमें दो ड्यूरेशंस ऐसे मिल रहे हैं जहां हमें विशेष सावधानी रखनी है, जिनमें पहला ड्यूरेशन अपेक्षाकृत अधिक सावधानी रखने का संकेत कर रहा है। वह ड्यूरेशन है 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 का। इस अवधि में शुक्र का
गोचर नीच का रहेगा, यानी शुक्र नीच के रहेंगे और आपके छठे भाव में रहेंगे। नीच का होना अपने आप में ही संबंधित भाव को कमजोर करता है, ऊपर से छठे भाव में होना रोग ऋण शत्रु का संकेत करता है। साथ ही साथ सातवें भाव का स्वामी गोचर में अपने से द्वादश भाव में रहेगा, यह भी कमजोर बिंदु है। यानी इस समय इस अवधि में आपसी विवाद उत्पन्न नहीं करना है। यदि विवाद की स्थितियां निर्मित हो ही जाएं, तो उन्हें यथाशीघ्र शांत करना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। यदि आप इन सावधानियों को महत्व देंगे, अपनाएंगे, तो सामान्य तौर पर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहेगा। दूसरा ड्यूरेशन 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 का है। इस बीच में आपके सातवें भाव का स्वामी शुक्र आठवें भाव में गोचर करेगा, अतः इस अवधि में भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि साथ में यात्राएं करते हैं तो सावधानी पूर्वक यात्राएं करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। आपसी गलतफहमियां बिल्कुल नहीं पैदा करनी है। सारांश यह कि यह साल वैवाहिक मामलों के लिए मिला जुला है, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशंस ऐसे हैं जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कमजोर हैं। उनकी चर्चा हमने आपसे कर ली है। आप उस समय अपना विशेष ख्याल रखें, अपने संबंध का विशेष ख्याल रखें। बाकी बात की जाए उन लोगों की जिनकी उम्र विवाह की है, तो उन्हें चाहिए कि वैवाहिक मामलों का निर्णय या विवाह प्रस्तावों का निर्णय 14 अप्रैल 2022 के पहले पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद बृहस्पति का गोचर वैवाहिक मामलों में मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि विवाह एक शुभ कर्म है। साथ ही विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, तो ऐसे में बृहस्पति के गोचर का आशीर्वाद जरूरी रहता है, और वह प्रत्यक्ष आशीर्वाद आपको 13 अप्रैल 2022 तक ही दे रहे हैं। इसी अवधि में आपको उनका आशीर्वाद प्रत्यक्षतः मिलेगा, अतः यह अवधि वैवाहिक मामलों के निर्णय के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने दाम्पत्य जीवन को, यानी कि मैरिड लाइफ को, मैरिज लाइफ को, इनके तमाम मामलों में आप बेहतर कोशिश कर सकते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक या दाम्पत्य संबंधी भविष्य में के मामलों में कोई व्यवधान आता है, तो इनको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इनका दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सके। मैरिज लाइफ कहें या फिर मैरिड लाइफ, जिसे हिंदी में वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन भी कहते हैं, यदि इन मामलों में कोई दिक्कत आए तो उसे बेहतर करने के लिए उपाय के रूप में झूठे वादों को, व्यर्थ के घमंड को व अपशब्दों को तिलांजलि दे लें, अपने आप से दूर कर दें। नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं। जब भी मौका मिले कम से कम 10 दृष्टिहीनों को भोजन करवाएं, उनका आशीर्वाद लें, वरिष्ठों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। इन उपायों से आपको लाभ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे इन उपायों से आपको लाभ नहीं मिलता है, तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं, और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतर दशाओं की अनुकूलता और प्रतिकूलता को जानकर उनका उपाय करके आप अपनी मैरिज लाइफ को या मैरिड लाइफ को, जिसे हिंदी में वैवाहिक जीवन या फिर दाम्पत्य जीवन भी कहते हैं, उसको आप बेहतर कर सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं, उनसे मिलें फोन पर या फिर जो भी साधन हो उसके माध्यम से। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है, तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। बस यही सिंपल सी एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ ये बाध्यता बिल्कुल नहीं कि आप मुझसे ही सलाह लें, कहीं से भी सलाह लें, पर उचित सलाह लें। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर गौर से सुननी है कि आपकी राशि से जुड़े हुए सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोज हम बना रहे हैं, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपनी मैरिड लाइफ को, अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर सकेंगे। माँ महागौरी आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।